हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैन पावर सर्विसेज में ना एक बड़ा अपडेट आया, उस अपडेट के बारे में कि बेसिकली वो अपडेट है क्या और अब आपको मैन पावर सर्विसेज का कैटलॉग बनाने के लिए क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। पहले जिस तरीके से हम कैटलॉग बनाते थे मैन पावर सर्विसेज का, वो प्रोसेस थोड़ा अलग था। अब जो है प्रोसेस वो थोड़ा अलग कर दिया है। कैसे अलग है? क्योंकि अब आपको मैन पावर की सर्विसेज का कैटलॉग बनाने के लिए जैम पोर्टल पर तो काम करना ही करना है, और जैम पोर्टल पर काम करने से पहले थोड़ा सा काम आपको क्या है सम सुविधा के पोर्टल पे भी करना पड़ेगा। तो पूरा स्टेप डिटेल में समझेंगे कि क्या नया अपडेट आया है मैन पावर की सर्विसेज को लेके और कैसे आप सभी को इसमें काम करना है। और ये अपडेट सभी के लिए है, चाहे आप नया कैटलॉग बनाएं, चाहे आप ऑलरेडी मैन पावर सर्विसेज में डील कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी कैटलॉग बना रखा है, उन सभी के लिए। नए पर्सन जो कैटलॉग बनाना चाहते हैं उनको तो नया कैटलॉग बनाने ही नहीं देगा, पुराने तरीके से कैटलॉग आपका नहीं बनेगा। और जिन लोगों का कैटलॉग ऑलरेडी बना हुआ है, मैन पावर सर्विसेज का कैटलॉग बना हुआ है, उन सभी लोगों ने अगर 23 जनवरी तक ये एक्शन नहीं लिया, अपने कैटलॉग को इस तरीके से अपडेट नहीं किया, तो उन सभी के कैटलॉग मार्केट प्लेस से रिमूव कर दिए जाएंगे। बाकी आप में से कोई भी अगर जैम पोर्टल पे एक एक्सपर्ट सेलर सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है तो वो हमारा कोर्सेज ज्वाइन करके एक एक्सपर्ट सेलर बन सकता है। अगर आपको भी कोर्सेज ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप अपने टॉपिक पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के हम अपना बेसिकली क्या अपडेट आया है और कैसे हमें इस पे काम करना है उसको समझते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और स्क्रीन पे आने के बाद ये जो है नया अपडेट आया जैम पोर्टल पे, वो अपडेट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। ये मेल उन सभी लोगों को जा चुकी है जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना मैन पावर से रिलेटेड सर्विसेज का कैटलॉग बना रखा है। इस मेल में बेसिकली बात क्या की जा रही है, इस मेल में ये बात की जा रही है कि भाई अब आप अगर मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं जैम पोर्टल पे, तो आपके लिए मैंडेटरी हो गया है LIN नंबर। बेसिकली ये LIN नंबर है क्या, कहाँ से मिलेगा आपको, अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी इतना समझिए, आपके लिए LIN नंबर मैंडेटरी हो गया है। और ये कब से एप्लीकेबल हो गया है जैम पोर्टल पे, 23 दिसंबर से ये एप्लीकेबल हो गया है कि कोई भी पर्सन अगर नया कैटलॉग बनाना चाहेगा मैन पावर के सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसको अपना LIN नंबर देना मैंडेटरी है। साथ में उसको एक अंडरटेकिंग का डॉक्यूमेंट भी लगाना मैंडेटरी है। और जिन लोगों का ऑलरेडी कैटलॉग बना हुआ है जैम पोर्टल पे, उन सभी लोगों को भी अपने कैटलॉग को अपडेट करना है। अपडेट करके अपना LIN नंबर अपना कैटलॉग अपडेट करना है और वहाँ पे LIN नंबर अपडेट करना है, साथ ही एक अंडरटेकिंग का डॉक्यूमेंट भी लगाना है जैम पोर्टल पे, तभी उनकी सर्विसेज लाइव रहेगी। मतलब न्यू कैटलॉग बनाने वाले तो 22 दिसंबर से ही बंद हो चुका है उन लोगों का, नया कैटलॉग वो बिना LIN नंबर के बना नहीं सकते। और जिन लोगों के ऑलरेडी कैटलॉग बने हुए हैं उन सभी को क्या करना है, अपना LIN नंबर अपडेट करना है 23 जनवरी से पहले पहले। अगर उन्होंने LIN नंबर अपडेट नहीं किया अपना, तो क्या होगा, आपकी जो सर्विस है मार्केट प्लेस में वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि आपको अपना LIN नंबर निकालना कैसे है, और उसके बाद अंडरटेकिंग का डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है जो सर्विसेज के लिए लगाना है, हमें अंडरटेकिंग का डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। इसके बाद प्रैक्टिकल अपना सर्विस का कैटलॉग क्रिएट करके देखेंगे। सबसे पहले आपको जो अपना LIN नंबर निकालना है, LIN नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, श्रम सुविधा एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, इस पर जाना है। यहाँ से आपको अपना LIN नंबर निकालना है। जैसे ही आप श्रम सुविधा टाइप करेंगे, यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, लास्ट का डोमेन चेक करना .gov.in ही होना चाहिए, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, LIN पे क्लिक कर देना है, और LIN पे क्लिक करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट नेम के थ्रू आपको अपना LIN नंबर फाइंड करना है। अब ये LIN नंबर उन लोगों का, जिन लोगों का ESI में या PF में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उनका LIN नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाएगा। और जिन लोगों का ESI PF में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको पहले अपना श्रम सुविधा पे अपना ID बना के LIN नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद उनका LIN नंबर जनरेटेड होगा। तो अगर आपका नहीं है तो पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे LIN के लिए, और फिर उसके बाद अपना यहाँ से LIN नंबर मिलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं जिन लोगों के पास ESI PF सर्टिफिकेट है, मैक्सिमम जितने भी लोग मैन पावर सर्विसेज में डील करते हैं उनके पास ESI या PF का रजिस्ट्रेशन होता ही होता है। तो उन लोगों को अपना कैसे LIN नंबर निकालना है, यहाँ पे देखिए इस्टेब्लिशमेंट नेम में आपको अपनी कंपनी का नाम डाल देना है, आपको अपना एड्रेस डाल देना है, अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट, और ये वेरिफिकेशन कोड एंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे ये सारे डिटेल फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोड लेगा और आपके सामने आपका LIN नंबर आ जाएगा।
अब ये देखिए, जैसे हमने सारी डिटेल फिलअप की, यहाँ पे LIN नंबर आ गया। हमारे पास दो LIN नंबर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो इस्टेब्लिशमेंट नेम है, एग्जैक्ट आप अपने इस्टेब्लिशमेंट का नाम मैच कर लेना। इस्टेब्लिशमेंट का नाम मैच करने के बाद जो भी आपका LIN नंबर हो, ये जो लास्ट में दिख रहा है ना इस्टेब्लिशमेंट नेम, उसके आगे LIN नंबर होता है, इस नेम को आपको क्या करना है, अपना कॉपी करके रख लेना है, सेव कर लेना है, और यही आपका LIN नंबर है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में ये है, आपको इसके साथ LIN नंबर के साथ साथ इसका कैटलॉग बनाने के लिए, मैन पावर की सर्विसेज बनाने के लिए, अब एक अंडरटेकिंग का लेटर भी बना के देना है। अंडरटेकिंग कैसे बनाना है, वो अंडरटेकिंग कुछ इस तरीके से बनाना है। LIN नंबर ये निकालना सीख गया, ये आपको निकालना है LIN नंबर। इसके बाद अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग जो आपको बनानी है कुछ इस तरीके से बनानी है, अपने लेटर हेड पर अंडरटेकिंग फॉर सर्विसेज ऑन जैम। इसमें क्या लिखना है आपको, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखना है कि भाई मैं SR ग्रुप और मेरा एड्रेस ये है और मेरा LIN नंबर ये है। LIN नंबर कौन सा, जो अभी हमने श्रम सुविधा पोर्टल से निकाला, वो LIN नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिख देना है रजिस्टर्ड विद लेबर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, या जहाँ का भी आपका एड्रेस है वो लिख देना है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है आपके लिए, आपको बस एक फॉर्मेटिंग समझा रहा हूँ। ये पूरा सेंटेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉपी करके आप चेंजेस कर लेना अपने आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे को लिख देना है LIN नंबर, लिख दिया। इसके बाद जो भी मेरा अगर ESI में रजिस्ट्रेशन है तो ESI रजिस्ट्रेशन का मेरा नंबर क्या है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, और PF में भी है तो PF का भी जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख देना है, जो अगर है तो लिख देना है, नहीं तो ही नहीं लिखना। उसके बाद लिख देना है वन टू अप्लाई मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज, मतलब जिस कैटेगरी में सर्विसेज के जिस भी कैटेगरी में आप कैटलॉग बना रहे हैं उसका कंप्लीट नेम यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे लिख देना है सो काइंडली अप्रूव माई रिक्वेस्ट। तो अब यहाँ पे आप दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए कि मेनली दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मांगे जा रहे हैं आपसे वो क्या है, LIN नंबर और अंडरटेकिंग कैसे बनाना है आपको, और LIN नंबर कैसे निकालना है, ये समझ गए। अब इसके बाद आपको कैटलॉग कैसे अपना क्रिएट करना है, कैटलॉग क्रिएट करने का भी थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है तो वो भी हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकल करके। तो कैटलॉग क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कैटलॉग पे आना है। कैटलॉग पे आने के बाद सर्विसेज, सर्विसेज के बाद ऐड न्यू ऑफरिंग पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका पुराना है ऑलरेडी आपका मतलब कैटलॉग बना हुआ है तो उसमें तो आपको सिर्फ अपना सर्च माय ऑफरिंग में जाना है, सर्च माय ऑफरिंग में जाके वहाँ पे एडिट पे जाके अपडेट कर देना है उसको, अभी उसको भी कवर कर लेंगे एक बार, ठीक है। आपको यहाँ पे न्यू पे आना है और जो भी आपका मैन पावर का सर्विसेज है, यहाँ पे मैन पावर जो भी आपकी सर्विसेज है वो ले लेना है। वो आपके अंडरटेकिंग लेटर पे सेम नेम लिखा होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होगा आपका वो जो लिस्टिंग है अप्रूव नहीं होगी। इसके बाद ये आ जाता है हमारे पास सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना हो कि भाई इस सर्विसेज इस कैटेगरी में मैं क्या क्या सर्विसेज दे सकता हूँ, सर्विस एग्रीमेंट होता है ये रीड करना होता है। इसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक्सपीरियंस हमारा मैंडेटरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है, इसको रहने देना, अगर आपके पास है तो फिलअप करो नहीं तो अदरवाइज रहने दो। इसके बाद रेट कार्ड भी फिलअप करने का सेम वही प्रोसेस है जैसे आप पहले फिलअप करते थे। अगर आप डायरेक्ट परचेज के लिए बना रहे हैं लिस्टिंग तो यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे प्राइस ऑन डिमांड पे क्लिक नहीं करना। अगर आप बिड के लिए बना रहे हैं ये कैटलॉग तो यहाँ पे प्राइस ऑन डिमांड पे क्लिक करना है। अगर आप डायरेक्ट परचेज का ऑर्डर 5 लाख तक के अंदर का ऑर्डर लेने के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस ऑन डिमांड पे कभी भी क्लिक नहीं करना, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिलअप सेलेक्ट कर लेनी है, एक एक करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये मैंडेटरी कर दिया गया है हमारा, देखिए यहाँ पे मैंडेटरी वर्ड का भी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू एडिट, और ISO तो हमारा ऑप्शनल है, अगर ISO सर्टिफिकेट है आपके पास तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप में से कोई भी अपना ISO सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ISO सर्टिफिकेट का भी नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे तो ISO सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लगाइए, नहीं है तो आप ऑप्शनल भी है छोड़ भी सकते हैं ISO सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है मैंडेटरी है। जो मैंडेटरी बात है, मैंडेटरी है अंडरटेकिंग ऑफ लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब अंडरटेकिंग जो मैंने ये आपको बना के दिया, ये इस तरह से आपको अपना अंडरटेकिंग बनाना है। इसके बाद आपका अपना LIN नंबर वो भी यहाँ पे डालना है। तो आपको क्या करना है, ऐड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। ये जो सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना LIN नंबर जो भी आपका LIN नंबर था वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। ये जैसे मेरा ये LIN नंबर हो गया, ये मैंने अपडेट कर दिया। जो भी एक्सपायरी डेट, यहाँ पे एक्सपायरी डेट में बड़ी कन्फ्यूज़न मची हुई है, अभी तक गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस से भी इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो एक्सपायरी डेट मेनली ESI PF में तो कोई ऐसा एक्सपायरी वाला ऑप्शन ही नहीं होता ना, LIN में कोई ऐसा एक्सपायरी का ऑप्शन दिया गया है। तो अभी आप क्या करो, एक्सपायरी डेट में ऐसे ही 3-4 साल आगे की रैंडम एक्सपायरी डेट डाल दो। अगर एक्सपायरी डेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा, अभी एक्सपायरी डेट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है।
इसके बाद लोकेशन, लोकेशन मतलब जिस भी स्टेट में आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है, मतलब ESIPF का रजिस्ट्रेशन जहाँ से भी आपने लिया हुआ है, मतलब आपका बिजनेस जहाँ का भी है वहाँ से कर लो, या यहाँ पे ऑल इंडिया कर दो, ठीक है वो कर दो। इसके बाद यहाँ पे जो अपलोड डॉक्यूमेंट है, अपलोड सर्टिफिकेट, इसमें आपको क्या करना है, ये जो मैंने एक तो अंडरटेकिंग बनाया, एक अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग के साथ अगर आपके पास ESIPF भी है या जो भी दोनों में से एक भी है, तो उसका दोनों का ना एक मर्ज PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना। अंडरटेकिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ अगर आपके पास ESI या PF का भी सर्टिफिकेट है तो उसकी भी मर्ज कॉपी बना के, मतलब इन सभी डॉक्यूमेंट की एक सिंगल PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये क्या हो गया, आपका कैटलॉग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे मैसेज आएगा वेट पेंडिंग फॉर अप्रूवल, मतलब अभी ये जैम एडमिन के पास गया है, जो आपने LIN नंबर दिया है, अंडरटेकिंग दिया है, उसको जैम पोर्टल की टीम वेरीफाई करेगी, अगर सारी चीज़ ओके है तो आपका कैटलॉग लाइव हो जाएगा। लेकिन लाइव होने में इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 6 से 7 दिन का, अभी मैन पावर की जो अपडेटिंग चल रही है इनमें सब में टाइम लग रहा है 6 से 7 दिन का, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना नया कैटलॉग बनाना है, और जिन लोगों का कैटलॉग ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब जिन लोगों का बना हुआ है उन लोगों को भी क्या करना है, अपना यहाँ से सिंपली इसमें आना है, अपना एड सर्च माई ऑफरिंग में, सर्च माई ऑफरिंग में आके अपनी सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह का ही उनके सामने डैशबोर्ड खुलेगा और उनके पे लिखा हुआ आएगा दिस सर्विस हैज लाइव, मतलब अभी लाइव है। अगर 23 जनवरी के बाद आप वीडियो देख रहे हैं तब तो आपका यहाँ पे लिखा आ रहा होगा डिसअप्रूव, ठीक है। तो अभी अगर आपका लाइव लिखा आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एडिट टू क्लिक पे क्लिक करके जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे LIN नंबर डाल देना, और यहाँ पे अपना अंडरटेकिंग का डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव एंड वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना, तो इस तरह से आपकी सर्विसेज भी अपडेट हो जाएगी। तो ये था छोटा सा अपडेट मैन पावर सर्विसेज को लेके, उम्मीद है पूरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में।